सीएचई वर्सेस एमआई 49 टी20 आईपीएल मैच, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस 49 टी20 आईपीएल मैच जो कि खेला जाएगा। और गाइज ये वाला मैच सीएसके वर्सेस एमआई के बीच होगा। और आपको बता दूं गाइज, इस इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का एक ये सबसे बड़ा मैच है, क्योंकि गाइज चेन्नई सुपर किंग्स की बात करूं, अपना लास्ट मैच जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ था वो बारिश के कारण कैंसिल हो गया था, एक पॉइंट के साथ आगे बढ़ी। बट उससे पहले वाला मैच था ना वो पंजाब किंग्स के साथ था चेन्नई का, और वो इसी ग्राउंड पे था जहां पे ये वाला मैच है, और पंजाब ने चेन्नई को उसी के घर में हराया था। तो कहीं ना कहीं ये वाला मैच चेन्नई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। वही एमआई की बात करूं मुंबई इंडियंस की, तो गाइस ये वाली टीम ऐसी हो चुकी है कि भाई इसने बोल दिया कि आप चाहे 200 प्लस का स्कोर बना दो, हम उसको चेस कर लेंगे, क्योंकि इनकी जो बैटिंग है ना गाइज वो बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में है। अब गाइज सबसे बड़ी बात है कि क्या आज के मैच में भी 200 प्लस का स्कोर बनेगा, या फिर चेन्नई की पिच काफी डिफरेंट रहती है, आप लोगों को पता है यहाँ पे स्पिनर्स को काफी हेल्प रहती है, तो क्या आज के मैच में भी ऐसा कुछ होगा, या फिर आपको हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा, या फिर आज के मैच में फास्ट बॉलर्स को हेल्प रहेगी। सबसे बड़ी दिक्कत आज के मैच में आप लोगों को आ रही होगी कि भाई किस तरीके से टीम बनाए, क्या रोहित शर्मा आज के मैच में परफॉर्मेंस देंगे, क्या सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, ईशान किशन आज के मैच में भी इंपॉर्टेंट होंगे, और सबसे बड़ी दिक्कत क्या रही होगी कि रहाणे को पिक करे या फिर शिवम दुबे को पिक करे, बड़ा कंफ्यूजन है। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन आज के मैच में है कि भाई कप्तान किसको बनाए और वाइस कप्तान किसको बनाए। तो गाइज आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाइज सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं। और आपको बता दूं आज के मैच में अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया ना तो भाई ग्रैंड लीग में आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी, क्योंकि कल के मैच में आपको बता दूं मेरा एक भाई था, मेरा वीडियो देखा था और उसकी ग्रैंड लीग में टॉप 10 रैंक आई है। तो आप भी गाइज उसकी तरीके से टॉप 10 रैंक में आ सकते हो, तो उसके लिए गाइज आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो गाइज आप सभी भाइयों का श्योर एक्सपर्ट सपोर्ट परिवार में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और आपसे गाइज एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर आप पहले भी आ चुके हैं बट अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए बेल आइकन की घंटी दबा के ऑल प्रेस करिए, क्योंकि गाइज आपको क्वालिटी के साथ अगर बेस्ट कंटेंट चाहिए ना तो यही मिलेगा। साथ में गाइज आपको बता दूं मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहां पे 2 लाख से ज्यादा लोग बिल्कुल फ्री में टीम लेके अच्छी विनिंग कर रहे हैं। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल श्योर एक्सपर्ट सपोर्ट ऑफिशियल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में आपको पहले नंबर का लिंक दिखेगा, सबसे पहले नंबर का क्लिक करके ज्वाइन हो जाना, हर मैच की टीम वहां पे मिलती है। और एक चीज और बता दूं, इस वाले वीडियो में भी आप लोगों के लिए फ्री गिव अवे रहेगा। अगर आप आज के मैच में भी बिल्कुल फ्री में खेलकर रियल कैश विन करना चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करने के मूड में नहीं है, तो आपके लिए इस वाले मैच में फ्री गिव अवे लेके आया हूं। और उसकी पहली कंडीशन है वीडियो पे लाइक होना चाहिए, तो सबसे पहले वीडियो पे लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो की गाइज अपन शुरुआत करते हैं, पूरा वीडियो गाइज लास्ट तक देखना है, क्योंकि 2 प्लेयर है जो आपने अभी तक अपनी टीम में ले रखे हैं बट वो आज के मैच में परफॉर्मेंस नहीं देने वाले, वो कौन से प्लेयर है अपन अभी देखेंगे। तो सीएचई वर्सेज एमआई 49 टी20 आईपीएल मैच खेला जाएगा गाइज चेन्नई के अपने घर में, जहां पे चेन्नई को हराना बहुत मुश्किल काम है, एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में। और यहां पे गाइस किस तरीके की पिच रिपोर्ट रहती है वो अपन यहां पे देखते हैं। सबसे पहले बता दूं गाइस इस वाले ग्राउंड पे है ना काफी मैचेस हो चुके हैं, क्योंकि ये ग्राउंड है ना बहुत पुराना ग्राउंड है और यहां पे लगभग 125 मैचेस खेले जा चुके हैं। बैटिंग फर्स्ट ने यहाँ पे 66 मैच जीते, सेकंड ने 57, एवरेज स्कोर आप देखोगे तो 160 से 170 यहां पे रहता है। इसके अलावा अगर स्कोरिंग पैटर्न की बात करूं ना तो आप देखोगे यहां पे हर तरह का स्कोर बनता है, बट एक चीज नोटिस करना है 150 से कम यहां पे 48 बार बना है। तो अगर यहां की पिच गाइज आज के मैच में स्लो रह गई ना तो बॉलर्स को बहुत हेल्प रहती है। और इस पिच की एक खासियत है कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है ना पिच स्लो होती जाती है, स्पिनर्स को मददगार हो जाती है। इसके अलावा दोनों टीमों की अगर मैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूं एमआई वर्सेस सीएसके की, तो दोनों टीमों के बीच गाइज 37 मैच खेले गए, सीएसके ने 16 और एमआई ने 21 जीते हैं, कहीं ना कहीं एमआई का पलटा भारी है। बट एमआई की भाई एक चीज खराब है इस आईपीएल में, अगर आप देखोगे ना इनकी बॉलिंग है ना वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, बट सीएसके की बात करूं तो काफी बैलेंस लग रही है बॉलिंग वाइज भी और बैटिंग वाइज भी। तो मुझे ऐसा लग रहा है आज के मैच में सीएसके का पलटा भारी रहेगा, बट कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते।
अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई आज के मैच में स्पिनर्स ज्यादा विकेट लेंगे या फास्ट बॉलर्स। तो गाइज लास्ट 21 मैचों का डेटा मैंने निकाला, उसमें मैंने देखा कि फास्ट बॉलर्स को यहाँ पे 116 विकेट मिले और सबसे बड़ी बात स्पिनर्स को गाइज यहाँ पे 124 विकेट मिले। तो कहीं ना कहीं गाइज इस वाले ग्राउंड पर है ना स्पिनर्स काफी ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं। फास्ट बॉलर्स को तो विकेट मिलते ही है, साथ में स्पिनर्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या आज के मैच में मोइन अली, रविंद्र जडेजा, पीयूष चावला ये इंपॉर्टेंट बनेंगे? अपन सब आगे देखेंगे, बट गाइज ये काम जरूर कर लेना भाई। गाइज मेरा टेलीग्राम चैनल है श्योर एक्सपर्ट सपोर्ट ऑफिशियल, जहां पे मैं टॉस के बाद हर मैच की बिल्कुल फाइनल टीम देता हूँ, आज के मैच की भी दूंगा जो कि विनिंग टीम होगी। 200,000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया ना तो भाई टेलीग्राम चैनल श्योर एक्सपर्ट सपोर्ट को ज्वाइन कर लो। कैसे ज्वाइन करना है, इसी यूट्यूब वीडियो के आपको कमेंट में डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप पे पिन किया हुआ लिंक दिखेगा, पहले नंबर का टेलीग्राम चैनल श्योर एक्सपर्ट सपोर्ट का, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम पे आ जाइए, जहां पे आपको हर मैच की फ्री टीम मिलेगी। तो जरूर से भाई याद से आप ज्वाइन कर लेना, रिक्वेस्ट है। अब देखिएगा इस वाले ग्राउंड पे ना जो लास्ट 3 मैच खेले गए ना उसमें किस तरीके का स्कोर बना है, अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले 12 अप्रैल 2019 को मैच हुआ था, गाइस ये काफी पुराना मैच है, इसको अपन एक बार के लिए छोड़ देते हैं, अपन अभी लेटेस्ट मैच की बात करते हैं। 21 अप्रैल 2023 को अभी मैच हुआ सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच, सनराइजर्स ने 134 ही बनाए, सीएसके ने 138 बना दिए और ये वाला मैच सीएसके आराम से जीत गया, बट इस वाले मैच में काफी लो स्कोरिंग रहा। इसके बाद अभी लेटेस्ट मैच हुआ 30 अप्रैल 2023 को सीएसके वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच, चेन्नई ने पहले बैट करके 200 बनाए और पंजाब किंग्स ने 201 बना दिए, तो काफी ज्यादा हाई स्कोरिंग ये वाला मैच रहा। तो आज के मैच की जो टीम बनानी है ना भाई बहुत सोच समझ के बनानी है, क्योंकि काफी ज्यादा पिच पे डिपेंड करेगा किस तरीके से टीम बनेगी। तो मैं आपको बता दूंगा आज के मैच के लिए कुछ प्लेयर, उनको अपनी टीम में आप डेफिनेटली रख लेना और टेलीग्राम ज्वाइन बाय लिंक कमेंट इन डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा गाइज आज का मैच है ना मैं विजन 11 ऐप पे खेलने वाला हूं, तो जल्दी से सीएसके वर्सेस एमआई का मैच आप विजन 11 ऐप पे ओपन करिए। सबसे पहले विजन 11 ऐप को आपको डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करके आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करते ही आपको ₹500 का साइन अप बोनस मिलेगा। उसके बाद गाइज आपको आज के मैच की ग्रैंड लीग ओपन करनी है, ₹35,00,000 की मेगा जीएल लगी हुई है, जहां पे आप बहुत इजीली विन कर जाओगे, क्योंकि यहाँ पे गाइज जो ग्रैंड लीग होती है ना वो 1-2 लाख मेंबर्स की होती है, जिसमें आप इजीली रैंक 1 पे आ सकते हो। तो मेरा पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप टीम आराम से बना लोगे और आज के मैच में ग्रैंड लीग विन कर जाओगे। और आज के मैच में यहाँ पे फ्री गिव अवे भी लगा हुआ है, वो कैसे मिलेगा अभी आगे बता दूंगा, बट इस ऐप पे गाइज थोड़ा सा वित्तीय जोखिम इंक्लूड है, कृपया अपने रिस्क पर खेले और संभल के खेले। अब गाइज देखिए, अब मैच है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही टीमों के लिए, तो क्या कोई चेंज होगा आज के मैच में, कौन सा बैट्समैन आज के मैच में रन बना के देगा, कौन सा बॉलर विकेट लेगा, कप्तान और वाइस कप्तान के लिए कौन बेस्ट रहेगा, कैसे आज के मैच की टीम बनेगी, सारी चीजें बताऊंगा। बट आप है ना गाइस वीडियो स्किप मत करने की सोचना, क्योंकि यहीं से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो चुका है। और अभी भी अगर आपने वीडियो पे लाइक नहीं किया ना तो गाइस भाई की मेहनत के लिए एक लाइक कर देना, और अगर आप महेंद्र सिंह धोनी सर को दिल से पसंद करते हो ना तो उनके लिए एक लाइक करके जाना, ताकि मुझे पता लगे कितने लोग उनको पसंद करते, तो लाइक गाइस जरूर करना। तो सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेज मुंबई इंडियंस के अपन प्लेइंग 11 देखते हैं सीएसके वर्सेज एमआई के मैच के। सीएसके की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे गाइस ओपनिंग पे आएंगे, इसके बाद रहाणे, मोइन अली, शिवम दुबे। अब देखिए गाइज आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आज के मैच में डेवन कॉनवे और ऋतुराज ने अच्छी शुरुआत दे दी, पावर प्ले में अच्छे रन बना दिए, तो भाई फिर ये शिवम दुबे ऊपर आ जाएगा बैटिंग करने, ये जनरली ऐसा होता है इनके साथ, तो शिवम दुबे का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है आज के मैच में भी। इसके बाद राइडू एज ए इंपैक्ट प्लेयर खेलेंगे, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी सर, दीपक चहर लास्ट मैच में वापसी किए थे बट उतने कुछ खास नहीं रहे, इसके अलावा पथी राणा, तुषार देशपांडे और तिक्षाना। तो यहाँ पे लास्ट मैच में केवल एक चेंज हुआ था कि आकाश सिंह की जगह दीपक चहर आए थे, बट मुझे लगता है आज के मैच में ये ज्यादा कोई चेंज नहीं करेंगे। एमआई के साइड से बात करूं, ईशान किशन के साथ रोहित शर्मा ओपनिंग पे आएंगे, भाई इनकी बैटिंग बहुत अच्छी फॉर्म में, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रोहित शर्मा के साथ है कि क्या वो आज के मैच में रन बनाएंगे, बाकी तो सब अच्छे फॉर्म में। इसके बाद कैमरॉन ग्रीन, सूर्य कुमार यादव, टिम डेविड, तिलक वर्मा, भाई इतने बड़े हिटर हैं इनके पास पूछो मत। इसके बाद निहाल वदेरा,
जोफ्रा आर्चर मुझे आज के मैच में भाई डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि लास्ट मैच में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहा था। तो आज के मैच में हो सकता है आपको जैसन बैंड्रफ खेलता हुआ दिखे या फिर रिलाय मैरिडेट, कुछ भी चेंज हो सकता है। इसके बाद पीयूष चावला, कुमार कार्तिके, आकाश मधवाल और अरशद खान। आकाश मधवाल ने भी कई कुछ खास बॉलिंग नहीं कराई थी, तो हो सकता है अर्जुन तेंदुलकर को वापस से आज के मैच में बुलाया जाए। तो अभी मैं आपको जो भी सेनेरियो है ना सब बता दूंगा, और सबके रिकॉर्ड भी मेरे पास है, सब चीज आपको दिख जाएगी। पर अभी भी अगर आपने वीडियो पे लाइक नहीं किया ना तो भाई कर दो, सबसे पहले जाके वीडियो पे लाइक। अब सीएसके वर्सेस एमआई की गई इस वाले मैच में विकेट कीपर सेक्शन में कौन से प्लेयर को पिक करें, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन गई बहुत अच्छे। अगर आप देखोगे चेन्नई सुपर किंग्स के पास दो बेस्ट कीपर है, डेवन कॉनवे है यहाँ पे और महेंद्र सिंह धोनी सर है। देखिए डेवन कॉनवे ओपनिंग पे आएगा, बट आपको एक चीज बता दूं, इस वेन्यू पर है ना बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, इस वाले ग्राउंड पे चार मैच खेल चुका, 266 रन बना दिए। रिसेंट फॉर्म की बात करूं तो सबसे अच्छी फॉर्म चल रही सीएसके की पूरी बैटिंग लाइनअप में डेवन कॉनवे की, 92, 56, 77। बट सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि एमआई के अगेंस्ट दो मैच खेले अभी तक एक भी रन नहीं बनाया। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस रिकॉर्ड पे नहीं जाना चाहिए, अभी आपको रिसेंट फॉर्म पे जाना चाहिए, जो कि बोल रही है डेवन कॉनवे की बहुत अच्छी है और इस वेन्यू पर खेलना कहीं ना कहीं पसंद करता है। और अभी मुंबई की अगर आप बॉलिंग भी देखोगे ना अगर इस आईपीएल में, तो उतनी ज्यादा स्ट्रांग है नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कॉनवे आपको रख लेना चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी सर की बात करूं, वेन्यू रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, पर दिक्कत आप लोगों को पता है क्या है, बैटिंग आएगी या नहीं आएगी, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ईशान किशन की बात करूं भाई ओपनिंग पे आएगा, बट थोड़ा सा है ना ये चिन्ना स्वामी इस वाले चिदंबरम स्टेडियम में खेलने में थोड़ी सी इसको दिक्कत आती है। इस वेन्यू पर 6 मैच 101 रन 17 का एवरेज, बट गाइस आपको पता ही है लास्ट मैच में अच्छी हिटिंग की थी, 75, उससे पहले 28, 13, 1 और सीएसके के अगेंस्ट 30 का एवरेज है। देखिए गाइस मेरे हिसाब से आज के मैच में अगर आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो ना, तो भाई ईशान किशन और कॉनवे दोनों को रख लेना, दोनों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और अच्छे हिटर है, अच्छे रन बना रहे हैं। हाँ अगर आप ग्रैंड लीग में जा रहे हो तो भी कॉनवे को तो रख लेना, ईशान किशन को चाहो तो आप ड्रॉप करके चल सकते हो, थोड़ा सा इस वेन्यू पर रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है ईशान का, ये चीज आप थोड़ी सी नोटिस करके चल सकते हो। यहां पर बात करूं गाइस मैं चेन्नई सुपर किंग्स के सीएचई की बैटिंग सेक्शन की, तो इनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। सबसे पहला नाम है इनके राइट हैंडेड बैट्समैन ऋतुराज गायकवाड़, जो कि ओपनिंग पे आएंगे। एमआई के अगेंस्ट एवरेज बहुत अच्छा है, 35 का है, इस वेन्यू पर एवरेज 34 का है। रिसेंट फॉर्म आप देखिए, हर मैच में रन बना रहा है कंसिस्टेंटली, 37, 47, 35, 35। रहाने की बात करूं गाइस देखिए एमआई के अगेंस्ट एवरेज बहुत अच्छा है 34 का, बट इसको भी है ना थोड़ा सा ये वाला वेन्यू है ना कम रास आता है। अगर आप इस वेन्यू पर देखोगे ना 7 मैच में केवल 98 रन बनाए 14 के एवरेज से, और अगर लास्ट मैच देखोगे 15, उससे पहले 71, 9, 37। शिवम दुबे गाइस मुझे आज के मैच के लिए परफेक्ट पिक लग रहा है, क्योंकि नंबर 3 पे आ सकता है अगर ये अच्छे शुरुआत मिल गई पावर प्ले में। और आप देख सकते हैं रिसेंट फॉर्म आपके सामने, 28, 52, 50, 52, 4 मैच में 65 रन बनाए। थोड़ा सा इसका भी रिकॉर्ड इस वेन्यू पर उतना बेटर नहीं है, बट जिस तरीके की फॉर्म में है ना भाई, मैं शिवम दुबे को आपको बोलूंगा डेफिनेटली रख सकते हो, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और अच्छा हिटर है। इसके अलावा राइडू तो गाइस कुछ खास कर नहीं रहा, ये तो टोटली ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग के लिए बेटर नहीं है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आज के मैच के लिए दो प्लेयर आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, एक तो शिवम दुबे और एक ऋतुराज गायकवाड़, बाकी रहने को आप रखना चाहो तो रख सकते हो। और भाई टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप पे पिन किया हुआ दिखेगा, क्योंकि मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको फाइनल टीम का जो अपडेट है ना वो मिल पाए, ताकि आपका लॉस ना हो, इसलिए जरूर से आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे गाइस बात करूं एमआई की बैटिंग सेक्शन की मुंबई इंडियंस की तरफ से, देखिए इनके जो कप्तान है ना रोहित शर्मा, वो कहीं ना कहीं अभी लास्ट एक साल से है ना फॉर्म के साथ थोड़ा जूझ रहे हैं, अभी एक अर्धशतक आया अभी तक लास्ट 1.5 साल में। और अगर आप रिसेंट फॉर्म भी देखोगे ना तो 0-3, 2-44 ओपनिंग पे आएगा, सीएसके के अगेंस्ट एवरेज 27 का है, वेन्यू पर 29 का है। देखिए एवरेज वाइज ओवरऑल बहुत अच्छा है, प्लेयर भी आपको पता है बहुत क्लासी है, बट थोड़ी फॉर्म के साथ दिक्कत है, हो सकता है आज के मैच में अच्छा करे। सूर्य कुमार यादव भाई अपने पुराने टच में आ चुके हैं, नंबर 4 पे खेलेगा, और जब ये खेलता है ना तो भाई फील्डरों के साथ खिलवाड़ होता है, मतलब जहां पे फील्डर हटा दोगे ना वहीं रन बना के देगा, और शानदार फॉर्म में लग रहा है, लास्ट 4 मैचों में 3 हाफ सेंचुरी आ चुकी है, और इस वेन्यू पर खेलना पसंद करता है, 41 का एवरेज है इस वेन्यू पर। तो सूर्य कुमार यादव को कप्तान और वाइस कप्तान भी आप आज के मैच में ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा तिलक वर्मा की बात करूं,
सीएसके के अगेंस्ट अच्छा एवरेज है, 3 मैच खेले 107 रन, लास्ट 2 मैचों से 26 और 29। टिम डेविड मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली थोड़ा सा इस वाले ग्राउंड पर स्ट्रगल कर सकता है, क्योंकि इस वेन्यू पर थोड़ी स्पिनर्स को मदद ज्यादा रहती है, तो कहीं ना कहीं ये फंस सकता है। और सीएसके के अगेंस्ट 3 मैच में केवल 48 रन बनाए, बाकी फॉर्म आप देखोगे तो बढ़िया है। पर टिम डेविड आपको बता दूं वानखेड़े स्टेडियम में ज्यादा अच्छा करता है कंपेयर टू अदर स्टेडियम्स के। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपके लिए 2 बैट्समैन बहुत ही बेस्ट है, जिसमें तिलक वर्मा है और सूर्य कुमार यादव। बाकी आप रोहित शर्मा को भी रखना चाहते हो तो बिल्कुल रख सकते हो सकता है आज के मैच में अच्छा कर दे। गाइस अभी आपको बताऊंगा आज के मैच में बॉलर्स का रोल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जो दिमाग में आपके आ रहा है ना स्किप करने का बिल्कुल मत करना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आ गई और अपनी अब अच्छी खासी विनिंग हो रही है हर मैच में। आप लास्ट मैच में भी मेरे टेलीग्राम पे जाके विनिंग देख सकते हैं, वन साइडेड हुई है, इसलिए कहता हूं पूरा वीडियो देखोगे तो अच्छी विनिंग होगी, पर भरोसा बनाए रखना। चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर देखिए जडेजा है और मोइन अली है। देखिए चिदंबरम स्टेडियम है, स्पिनर्स को यहां मदद रहती है, तो दोनों रख लेना भाई, क्लियरली बोल रहा हूं। जडेजा को तो भूल के भी ड्रॉप मत करना, और फॉर्म आपके सामने हर मैच में विकेट मिल रहा है, 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट इस वेन्यू पर 26 विकेट, एमआई के अगेंस्ट 21 विकेट। मोइन अली की भी बात करूं ये भी मुझे काफी अच्छा रहता है इस वाले वेन्यू पर, 5 मैच में 6 विकेट है, एमआई के अगेंस्ट 4 विकेट है। बैटिंग से जरूर उतना अच्छा फॉर्म में नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली काफी अच्छा कर सकता है, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेगा। तो यहां पे जडेजा और मोइन अली डेफिनेटली रख लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक है आज के मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एमआई के पास तो आपको पता ही है एक ही ऑलराउंडर है जिसका नाम है कैमरॉन ग्रीन, और जिस तरीके की ये फॉर्म में भाई तबाही मचा रखी है, शानदार फॉर्म में लग रहा है, हर मैच में रन आ रहे हैं इसके बल्ले से और बहुत तेज आ रहे हैं, 23, 44, 33, 67, 2 विकेट। सीएसके के अगेंस्ट 1 मैच खेला हुआ है, 12 रन बनाए, तो बट मुझे लग रहा है क्रीन आपको बॉलिंग भी कराता हुआ दिखेगा, साथ में बैटिंग भी करेगा, तो पर्सनली इसको तो ड्रॉप मत करना। बट ये है कि कप्तान और वाइस कप्तान बनाना है नहीं बनाना वो मैं बता दूंगा, क्योंकि बहुत से लोग इसको कप्तान वाइस कप्तान बनाने की सोच रहे, बट थोड़ा सा पिच अलग है गाइस ये, तो अभी बता दूंगा मैं आपको किसको बनाना है जब आपको फाइनल टीम दिखाऊंगा। चेन्नई सुपर किंग्स की गाइस बॉलिंग सेक्शन की बात करें उससे पहले भाई वीडियो पे लाइक करे बिना मत जाना, क्योंकि आपका एक एक लाइक भाई को मोटिवेट करता है, अगर आप लाइक नहीं करोगे तो भाई डीमोटिवेट हो जाएगा, इसलिए लाइक पहले दबा दो ताकि पर्सनली भाई को अच्छा लगेगा। चेन्नई सुपर किंग्स की बॉलिंग सेक्शन में देखिए तुषार देश पांडे फास्ट बॉलर है और बहुत ही अच्छे फॉर्म में, इस वेन्यू पर 4 मैच खेल चुका है, 7 विकेट मिले और एमआई के अगेंस्ट 1 मैच खेल चुका, 2 विकेट मिले, तो ये प्लेयर सबसे अच्छे फॉर्म में अगर आप सीएसके की बॉलिंग लाइनअप में देखोगे, और हर मैच में विकेट मिल रहे हैं, 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट। दीपक चहर की बात करूं लास्ट 3 मैचों से भाई इसको विकेट नहीं मिले, कहीं ना कहीं फॉर्म के साथ मुझे उतना ज्यादा बैटर लग नहीं रहा जितना प्रीवियस सीजन में था। तिक्षाना इस वाले पिच के अकॉर्डिंग बहुत बेटर है, बट इस पिच पे अभी इसको ज्यादा विकेट मिले नहीं है, 3 मैच में केवल 1 ही विकेट मिला है। और पथिराना की बात करूं इसको भाई 1-2 विकेट मिल जाते हैं हर मैच में, तो अगर आप पर्सनली यहां पे देखोगे ना तो 2 बॉलर मुझे फिर भी थोड़े बेटर लग रहे हैं, एक तो तिक्षाना और तुषार देश पांडे। तिक्षाना को तो ड्रॉप मत करना और तुषार देश पांडे को भी ड्रॉप मत करना, दोनों मेरे हिसाब से आज के मैच के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यहां पे गाइस मैं बात करूं एमआई की बॉलिंग सेक्शन की मुंबई इंडियंस की, मुंबई इंडियंस की तरफ से देखिए बॉलिंग सेक्शन थोड़ी वीक चल रही है इस आईपीएल में आप देखोगे, पर एक बॉलर है जो कहीं ना कहीं छा रहा है, इसका नाम है पीयूष चावला भाई, शानदार बॉलिंग करा रहा है, आप देखिए टीम का स्पिनर है, हर मैच में इसको 2 विकेट मिलते हैं, पता नहीं क्या 2 विकेट का ठेका ले लिया गया, 2 2 2 2 इस वेन्यू पर 7 मैच खेल के 9 विकेट ले जा चुका है और सीएसके के अगेंस्ट 23 मैच में 22 विकेट है, तो अपने आप में एक्सपीरियंस की भाई खदान है और इसको पता है किस तरीके से प्लेयर्स को फंसाना है, तो डेफिनेटली रख लेना चावला को। इसके अलावा जोफ्रा आर्चर गाइस बिल्कुल भी अच्छी फॉर्म में नहीं लग रहा इस आईपीएल में, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है, उतने रिदम में भी नहीं लग रहा, रिकॉर्ड भी उतना बेटर नहीं है, ठीक ठाक है। आकाश मधवाल मुझे उतना बेटर लगा नहीं था, कुमार कार्तिक है लास्ट 2 मैचों से विकेट मिले नहीं है, बट सीएसके के अगेंस्ट 2 मैच 3 विकेट है। और अर्शद खान की बात करूं ये थोड़ा फिर भी बेटर है, लास्ट 2 मैचों में 4 विकेट लिए, तो अभी के लिए तो 2 बॉलर मुझे पर्सनली बेटर लग रहे हैं जिनको आप रख सकते हो, एक तो अर्शद खान और एक पीयूष चावला, ये 2 बॉलर है जो कहीं ना कहीं बेटर है। बाकी जोफ्रा आर्चर को भी आप रखना चाहो रख सकते हो, कार्तिक को भी आप रखना चाहो रख सकते हो, बट अभी मैं बता दूंगा आपको कौन सा बॉलर कितने ओवर्स करेगा उसके अकॉर्डिंग आप फिर रख लेना। अब सबसे बड़ा बात आता है भाई मैचअप,
मैचअप का मतलब ये होता है कि कुछ बैट्समैन होते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ बॉलर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। अब जैसे महेंद्र सिंह धोनी सर है, उनका सबसे वैसे रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बट सबसे बड़ा रीजन क्या है ड्रॉप करने का कि भाई बैटिंग आएगी नहीं आएगी। बट उसके अलावा भी बता दूं, पीयूष चावला 2 बार आउट कर चुका है, रहाणे को पीयूष चावला आप देखिए 2 बार आउट कर चुका है बट 129 रन भी दिए, तो मेरे हिसाब से ये मैचअप उतना बेटर नहीं है। रायडू की बात करूं, चावला यहां पे 6 बार आउट कर चुका है, जोफ्रा आर्चर 2 बार, तो राइडू को ड्रॉप करना बढ़िया रह सकता है क्योंकि आप देखिए पीयूष चावला के अगेंस्ट 6 बार, आर्चर के अगेंस्ट 2 बार, और वैसे भी फॉर्म अच्छे नहीं है, तो अंबाती राइडू मुझे नहीं लगता आज के मैच के लिए भी उतना बेटर पिक आप लोगों के लिए होने वाला है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, रविंद्र जडेजा को भी पीयूष चावला परेशान कर रहा है, रोहित शर्मा को आपको बता दूं, मोइन अली, जडेजा, दीपक चहर तीनों कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं, तो हिटमैन का बल्ला हो सकता है आज के मैच में भी उतना अच्छा ना चले। और सूर्य कुमार यादव को जडेजा 56 बॉलों के अंदर 3 बार आउट कर चुका है, बट सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा क्योंकि ये प्लेयर अभी बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, तो गलती से भी ड्रॉप मत करना। देखिए सीएसके की तरफ से मुझे नहीं लगता आज के मैच में कोई चेंज होगा, बेंच वाले प्लेयर्स को खिलाया जाएगा क्योंकि टीम ऑलरेडी अच्छा कर रही है और कोई स्पेस दिख नहीं रहा जहां पे कोई ड्रॉप होगा। अगर कुछ भी होता है तो बाकी आपके पास सबका रिकॉर्ड है, एक चेंज हो सकता है कि आकाश सिंह को वापस बुला ले, बट दीपक चहर को रिप्लेस करके नहीं बुलाएंगे। एमआई की साइड से सारे चेंज है जो बॉलिंग दिख सकते हैं, बट एक चेंज हो सकता है क्योंकि इनकी बॉलिंग सेक्शन में कहीं ना कहीं वीकनेस है, तो आज के मैच में आपको जैसन बैंड्रफ दिख सकते हैं, एक अच्छा प्लेयर है। इसके अलावा अर्जुन तेंदुलकर वापस दिख सकते हैं, रिलाय मेरिडीट को खिलाया जा सकता है। मेरिडीट को पता नहीं क्यों ड्रॉप किया है, इतना अच्छी बॉलिंग करा रहा है, जबरदस्ती ड्रॉप किया है, ये मुझे लग रहा है आज के मैच में बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं एमआई साइड से। और क्रिस जॉर्डन भी इनके लिए अवेलेबल है तो वो भी खेल सकते हैं। अब गाइस सबसे बड़ी बात आती है कि आज के मैच में डेथ में बॉलिंग कौन करेगा और कौन सा बॉलर कितने ओवर्स करेगा। इसके बाद अपन फाइनल टीम देखेंगे। 2 फ्री गिव अवे आने वाले हैं आपके लिए आज के मैच के लिए, जिसमें आप बिल्कुल फ्री में खेल के रियल कैश विन कर सकते हैं, और एक डायरेक्ट गिव अवे, तो वीडियो पे अभी भी लाइक नहीं किया है तो कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सीएचई की बात करूं तो देखिए इस वाली टीम में देखिए दीपक चहर 4 ओवर, मोइन अली, तिक्षाना, जडेजा, ठीक है ये बॉलर हो गए, तुषार देशपांडे हो गए, तो मुझे ऐसा लग रहा है पथी राणा और मोइन अली शायद 2-2 ओवर का स्पेल कराएंगे, बाकी लगभग सभी को बॉलिंग मिल जाएगी ऐसा है। बाकी दीपक चहर से भी हो सकता है 2 ही ओवर कराए जाए अगर अच्छी बॉलिंग नहीं होती है। डेथ में आएंगे दीपक चहर और पथी राणा, ठीक है। इसकी तरफ से देखोगे एमआई साइड से तो आर्चर और आकाश मधवाल ने लास्ट मैच में डेथ में कराई थी, बहुत एक्सपेंसिव रहे, बाकी इनके पास ये सारे बॉलर है तो इनकी तरफ से भी लगभग सभी को बॉलिंग मिल जाएगी, इतना ज्यादा कोई इशू नहीं है। अब गाइज आज के मैच की मैं आपको फाइनल टीम दिखाने जा रहा हूं, जिस टीम के साथ गाइज आज मैं खुद खेलने वाला हूं, बट अगर इस वाली टीम में अगर कुछ भी चेंज होता है ना तो फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल शोर एक्सपर्ट सपोर्ट पे मिलेगा, जिस पे ज्वाइन करने का तरीका एक ही है, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में आपको सबसे टॉप पे पिन किया हुआ लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, तो जरूर से ज्वाइन कर लेना। टीम मैंने क्या बनाई है वो दिखा देता हूं। विकेट कीपर में डेवन कॉनवे, ईशान किशन को रखा है क्योंकि दोनों कीपर बहुत ही अच्छी फॉर्म में, इसलिए मैंने रख लिया। बैटिंग सेक्शन में ऋतुराज गायकवाड़ और सूर्य कुमार यादव को मैंने अभी के लिए रखा है। ऑलराउंडर्स में मैंने कैमरॉन ग्रीन, रविंद्र जडेजा और मोइन अली को रखा है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस पिच पे स्पिनर्स को मदद रह सकती है, इसलिए जडेजा और मोइन अली दोनों को रखा है। बॉलिंग में पीयूष चावला को तो कोई मिस करेगा ही नहीं, यहाँ पे तुषार देशपांडे को रखा है, तिक्षाना को रखा है, तो ये प्लेयर है जो मुझे लग रहा है आज के मैच में अच्छा कर सकते हैं। बाकी आपके लिए गुड पिक प्लेयर कौन कौन है वो भी देख लीजिए। देखिए सबसे अच्छा पिक है शिवम दुबे। शिवम दुबे एक ऐसा प्लेयर है अगर अच्छी शुरुआत सीएसके को मिल गई ना तो नंबर 3 पे आके बहुत अच्छी हिटिंग कर सकता है, तो शिवम दुबे पे फोकस करना। दूसरी चॉइस आपके पास तिलक वर्मा हो सकती है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, अभी लास्ट 2 मैचों से 20-22 रन बना रहा है, एक अच्छी हिटिंग कर रहा है। तीसरी चॉइस आपके पास रहाणे और चौथी चॉइस आपके पास रोहित शर्मा, ठीक है, तो सबसे पहली प्रेफरेंस आप शिवम दुबे को दीजिए, उसके बाद प्रेफरेंस आप तिलक वर्मा को दीजिए, उसके बाद रहाणे और उसके बाद रोहित शर्मा, बाकी ये चारों गुड पिक प्लेयर है। अब मैं फाइनली इनमें से किसको लेके आऊंगा वो फाइनली मैं टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, वहां पे आप एक्टिव रहना, वहां पे आपको अपडेट मिल जाएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई आज के मैच में कप्तान और वाइस कप्तान किसको बनाए, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज के मैच को लेके कि इनमें से अपन कप्तान और वाइस कप्तान के लिए सिलेक्शन किसका करें। उससे पहले आपको एक चीज बता दूं गाइस, विजन 11 ऐप है, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस ये मुंबई इंडियंस का जो मैच है सीएसके वर्सेस एमआई का, यहां पे आप लोगों के लिए 1 लाख रुपए का फ्री गिव अवे लगा हुआ है,
मतलब टोटल विनिंग 1 लाख रुपए की है, जिसमें रैंक वन पे भी आपको अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा है। तो विजन 11 ऐप को आप लोग मेरे लिंक से जरूर डाउनलोड कर लेना, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके इस ऐप को ओपन करना है, गिव अवे आपको दिख जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत फास्ट फिलअप हो रहा है। और विजन 11 ऐप पे खेलना भाई स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, बहुत ट्रस्टेबल है और बहुत ईजिली आप यहाँ पे विनिंग कर सकते हो। तो विजन 11 ऐप पे आप जरूर खेले और इस गिव अवे को जरूर से डाउनलोड कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बट इस ऐप पे गाइस थोड़ा सा वित्तीय जोखिम इंक्लूड है, कृपया अपने रिस्क पर खेले और संभल के खेले। इसके अलावा गाइस कप्तान और वाइस कप्तान की मैं बात करूंगा, इसके अलावा एक दूसरा गिव अवे और आ गया आपका आज का, जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब कमेंट सेक्शन में जाके देना है। जिन भाइयों के 10 लोगों के आंसर सही होंगे उनको प्राइज मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि आज के मैच में मैन ऑफ द मैच कौन सा प्लेयर रहेगा, आज के मैच में मैन ऑफ द मैच कौन सा प्लेयर रहने वाला है, मैन ऑफ द मैच कौन सा प्लेयर रहने वाला है। आंसर कैसे करना है, आंसर लिखना है सीएसके वर्सेस एमआई, आंसर करते समय आपको ये लिखना पड़ेगा सीएसके वर्सेस एमआई, और उसके बाद जो भी प्लेयर आपको लगता है कि भाई ये प्लेयर आज के मैच में मैन ऑफ द मैच रहेगा, उसका आंसर आप कर सकते हो। तो बट सीएसके वर्सेस एमआई जरूर लिखना है। 10 लोगों को प्राइज मिलेगा जो सबसे पहले आंसर सही करेगा, बट उसके लिए कंडीशन है वीडियो पे लाइक होना चाहिए, चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। अब कप्तान और वाइस कप्तान के लिए देखिए, आज के मैच में अगर चॉइस की बात करो तो पहली चॉइस कॉनवे है, दूसरी चॉइस ग्रीन है, तीसरी चॉइस यहाँ पे जडेजा है, जडेजा भी बहुत अच्छी चॉइस है कप्तान वाइस कप्तान के लिए, और इसके बाद सूर्य कुमार यादव है। बाकी मैं इनमें से फाइनली किसको बनाऊंगा वो भाई मैं टॉस के बाद आपको बता दूंगा, तो आप टेलीग्राम पे एक्टिव रहना, वहां पे आपको अपडेट मिल जाएगा टॉस के टाइम पे। तो सीएचई वर्सेज एमआई 49 T20 आईपीएल मैच डिटेल पे गाइस यही खत्म होता है, और आप लोगों ने मेरे वीडियो को इतना टाइम दिया, प्यार दिया, उसके लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज बता दूं, मेरा वीडियो गाइस फुल इंफॉर्मेटिव था, एजुकेशन पर्पज से था, और मैंने आपको बोला इस ऐप पे खेलो वहां खेलो, देखो खेलना नहीं खेलना वो आपका डिसीजन है, मैं कहीं से भी उस चीज के लिए फोर्स नहीं करता, आपकी इच्छा हो तो खेलो अदरवाइज मत खेलो। पर जाते जाते भाई वीडियो पे लाइक कर जाना, चैनल सब्सक्राइब कर जाना और ऐसे ही प्यार देते रहना, ठीक है भाइयों, नमस्कार।